स्टूडेंट, आज हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के एक टाइप बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड के बारे में पढ़ेंगे। देखो, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है? ये रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे इस रैंडम वेरिएबल को, इज सेड टू बी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड, इसमें हम पैरामीटर यूज करेंगे विद पैरामीटर्स, दो पैरामीटर यूज करेंगे विद पैरामीटर्स म्यू एंड न्यू, और दोनों के दोनों पैरामीटर्स ग्रेटर देन जीरो होंगे, इनकी लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी होगी। देन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, जिसको हम स्मॉल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा 1/β μ(ν) इंटू एक्स रेज टू द पावर μ-1 इंटू 1 - x रेज टू द पावर μ-1, और दोनों म्यू और न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, इस x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में। अगर x ग्रेटर देन 1 हो जाता है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है, तो फिर ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव की पावर हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर x को लेस देन 0 लेते हैं तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करती है। म्यू और न्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो ही जाएगी, एल्सवेयर क्या हो जाएगा, 0। ये होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। यहाँ पर दो पैरामीटर यूज करते हैं म्यू एंड न्यू, ये दो पैरामीटर होते हैं। और हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको हम β1 μ and μ ऐसे डिनोट करेंगे। और जो ये कैपिटल एक्स है रैंडम वेरिएबल, इसको हम बीटा वेरिएट बोलेंगे, बीटा वेरिएट ऑफ फर्स्ट काइंड ये कैपिटल, और इसको नोटेशन ये हो जाएगी β1 μ and μ। अब देखो इसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा। यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है इस बीटा फंक्शन का, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इनकम्प्लीट बीटा फंक्शन। देखो, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स लेस देन जीरो के लिए इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, सिमिलरली एक्स ग्रेटर देन वन के लिए इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। अब क्या बच गया, एक्स की वैल्यू जीरो टू वन के बीच में, जो फंक्शन डिफाइन था ना 0 to 1, इसके बीच में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जिसके लिए डिफाइन था, क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में है तो 0 to x इंटीग्रेशन आ जाएगा कॉन्टिन्यूस में, क्या लिखेंगे, 1/β μ/ν। और ये जैसे x लिमिट ले ली, तो यहाँ पर जो x था, x की जगह और कोई वेरिएबल यूज करेंगे, क्योंकि इस इंटीग्रेशन की लिमिट ही x में ले ली, यानी आंसर x में आएगा, तो यहाँ इस x की जगह और कोई वेरिएबल यूज कर लो, जैसे हमने u यूज कर लिया, u रेज टू द पावर कितनी हो जाएगी, μ-1 1 - u रेज टू द पावर μ-1 इंटू du। ये किसके लिए हो गया, x की वैल्यू जब 0 to 1 के बीच में लाई करेगी तब ये फंक्शन आएगा, यही लेस देन 0 के लिए 0 हो गया, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए 1 हो गया, इसको हम इनकम्प्लीट बीटा फंक्शन बोलते हैं। अब देखो, अगर कोई पर्टिकुलर केस के लिए, किसी पर्टिकुलर केस के लिए ये जो म्यू और न्यू है, ये दो पैरामीटर हैं, अगर इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाए, तो ये क्या बनेगा, म्यू और न्यू दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/, यहाँ पुट करके देखेंगे कितना हो जाएगा, 1/β1 और 1 हो जाएगा। आगे कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो,
दूसरा म्यू और न्यू की पावर, म्यू की पावर 1-1 जीरो हो जाएगा, 1-1 दोनों की पावर जीरो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बीटा 1-1 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, ये कितना आ गया, 1 आ गया। 0x1 के लिए ये वैल्यू 1 आ गई। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन, यही तो होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो हम निकाल चुके हैं उसका भी पीडीएफ यही होता है इस लिमिट के लिए 0 to 1, वहाँ इंटरवल दिखाते हैं 0 to 1 इंटरवल के लिए ये पीडीएफ होता है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज बीटा डिस्ट्रीब्यूटेड टू बीटा 1 म्यू एंड न्यू, ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज बीटा डिस्ट्रीब्यूटेड टू। ये देखो हम बार बार बीटा फंक्शन की डेफिनेशन यूज करते हैं, बीटा फंक्शन की लिमिट 0 to 1 होता है और अभी यहाँ पर भी कितना था इसमें 0 to 1, x की लिमिट कितनी थी 0 to 1 और यही होता है बीटा फंक्शन 0 to 1 एक्स रेज टू द पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर एन माइनस एन, इसी को हम बीटा एम एन बोलते हैं। और यहाँ पर एम एन की जगह क्या पैरामीटर ले रहे हैं, म्यू और न्यू पैरामीटर ले रहे हैं, बीटा म्यू और न्यू। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर म्यू माइनस वन, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर न्यू माइनस वन, और दोनों की दोनों वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो। ये बीटा फंक्शन की कंडीशन होती है। ये देखो कैसे निकालेंगे बीटा फंक्शन, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 5 है तो इस 5 को क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इस फॉर्म में 5 को क्या लिखेंगे, 6-1 लिखेंगे, 3 को क्या लिखेंगे, 3 को भी 4-1 लिखेंगे। तो बीटा फंक्शन कितना हो जाएगा, 6-4 हो जाएगा बीटा फंक्शन। ये बीटा फंक्शन जो हम यहाँ बार बार यूज कर रहे हैं, बीटा फंक्शन को चाहे बीटा एम एन लिख दो या बीटा एन एम लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, दोनों इक्वल होते हैं। ये देखो जब हम बीटा एम एन को सोल्व करते हैं, बीटा एम एन की वैल्यू सोल्व करते हैं तो क्या होता है, एम माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, एम प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल, दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर। जब हमने यहाँ पर सोल्व किया था बीटा 1-1 तो ये यही आएगा यहाँ पर, 1-1 जीरो फैक्टोरियल, 1-1 जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल तो 1 होता है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1+1-1 यानी 2-1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, तो कितना आंसर आ गया, 1। ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर इस बीटा 1-1 की वैल्यू 1 निकाली, इसका प्रूफ भी दे रखा है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ये देखो बीटा एम एन की डेफिनेशन क्या कहती है, 0 to 1 होना चाहिए, एक्स की पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एक्स एन माइनस वन। यहाँ पर हम इसको फर्स्ट पार्ट मान लेंगे, इसको सेकंड पार्ट मानकर इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे। ये इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया, इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद फिर से वही, इसको फर्स्ट पार्ट, ये दोनों अलग अलग आ गए यहाँ पर, तो बीटा एम एन को हम क्या ले सकते हैं। ये देखो यहाँ पर एम माइनस वन था, यहाँ पर कितना आ गया, एम माइनस टू आ गया, तो क्या लिखेंगे, बीटा एम माइनस वन, यहाँ पर कितना था एन माइनस वन, यहाँ पर कितना एन एन माइनस वन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये बीटा एम एन की डेफिनेशन आ गई, ये तो यहाँ पर भी बीटा एम एन, यहाँ पर भी बीटा एम एन। इस पार्ट को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन होकर ये यहाँ पर बच गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ पर ये बीटा एम एन बीटा एम माइनस वन, तो ये बीटा एन, इसको दूसरी साइड ले जाओ, ये कम्बिनेशन आ गया। यही कम्बिनेशन बार बार रिपीट होता रहेगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर इसमें क्या रखेंगे, एम की जगह एम माइनस वन रख देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, रखो एम की जगह एम माइनस वन रख दिया, यहाँ पर भी एम की जगह क्या रखेंगे, एम माइनस वन, तो एम माइनस टू बन जाएगा, यहाँ पर भी एम माइनस वन, तो यही बन जाएगा, यहाँ पर भी एम माइनस वन, तो कितना बन जाएगा, एम माइनस टू। अब इसकी वैल्यू निकालनी, तो सिमिलरली एम की जगह क्या रख देंगे, एम माइनस टू, फिर ऐसे वैल्यू आती जाएंगी और रिपीट होती जाएंगी, ये आ जाएगा लास्ट में 1n। 1n को हम बाई डेफिनेशन सोल्व कर सकते हैं, बीटा 1n ये आ जाएगा, ये 1/n हो जाएगा। तो बीटा एम एन की वैल्यू, अब 1n की वैल्यू ये 1/n यहाँ पुट कर दो, ये आ गई बीटा एम एन की वैल्यू। इसको हम फैक्टोरियल में ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल में ये हो जाएगा, यानी कि बीटा एम एन का फॉर्मूला कितना आ गया, एम माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एम प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल। अब हम निकालेंगे कॉन्स्टेंट ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। देखो मोमेंट्स की क्या डेफिनेशन होती है,
म्यू आर आरथ मोमेंट अबाउट ओरिजिन, डैश का मतलब अबाउट ओरिजिन, तो कितना होता है लिमिट यहाँ पर कितनी है, 0 to 1 है, तो कितना हो जाएगा म्यू एक्स रेज टू द पावर आर, अबाउट ओरिजिन है तो एक्स माइनस जीरो, आरथ मोमेंट निकालना है तो पावर आर हो जाएगी इन टू एफ ओफ एक्स इन टू डी एक्स, रखो यहाँ पर एफ ओफ एक्स जो बीटा ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड है, इसका क्या फॉर्मूला था 0 to 1 एक्स रेज टू द पावर 1 बाई बीटा म्यू यू, उस वो कॉन्स्टेंट होता है इसलिए हम उसको बाहर ले लेंगे म्यू और न्यू, और इन टू में कितना आ जाएगा फिर एक्स रेज टू द पावर कितना होता है म्यू माइनस वन, और 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर न्यू माइनस 1 इन टू डी एक्स। अब ये देखो दोनों का बेस सेम है एक्स एक्स, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, दोनों की पावर ऐड हो जाने के बाद ये फिर से बीटा फंक्शन बन जाएगा 1 बाई बीटा म्यू न्यू 0 to 1 एक्स रेज टू द पावर आर प्लस म्यू माइनस 1 1 माइनस एक्स न्यू माइनस 1 इन टू डी एक्स। ये देखो अब देखो बीटा फंक्शन की यही तो डेफिनेशन थी, एक्स रेज टू द पावर म्यू माइनस 1 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर, म्यू की जगह ये आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बीटा माइनस 1 जिसमें है तो कितना हो जाएगा आर प्लस म्यू और कितना आ जाएगा न्यू और डिवाइड बाय कितना है बीटा ये रहा म्यू और न्यू। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, देखो बीटा को अगर हम गामा में चेंज करें, बीटा को गामा में चेंज करें तो ये क्या आता है बीटा, जैसे मान लो म्यू और न्यू है तो क्या हो जाएगा बीटा म्यू बीटा न्यू डिवाइड बाई म्यू प्लस न्यू, ये हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा गामा म्यू प्लस आर इंटू में गामा न्यू, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे गामा में और डिवाइड बाई दोनों का एडिशन हो जाएगा गामा आर प्लस म्यू प्लस न्यू इंटू में, ये कितना हो जाएगा गामा न्यू और इंटू में दोनों का एडिशन म्यू प्लस न्यू, इसका ये सॉल्यूशन आ गया ये दोनों। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो गामा न्यू से गामा न्यू कट कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा ये आ गया, अब ये आ गया म्यू आर डैश की वैल्यू। अब हम यहाँ से म्यू वन डैश निकालेंगे, म्यू वन डैश कितना होता है म्यू, पहले ये देखो बीटा का गामा में फॉर्मूला कैसे आया, ये देखो गामा फंक्शन क्या होता है फर्स्ट यूरेलियन इंटीग्रल तो होता है बीटा फंक्शन और सेकंड यूरेलियन इंटीग्रल होता है गामा फंक्शन, ये होती है ना गामा फंक्शन 0 to infinity ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, इसको हम गामा एन बोलते हैं गामा एन क्योंकि एक्स रेज टू द पावर जो ई की पावर में वेरिएबल होता है उसी वेरिएबल की पावर होती है एन माइनस वन, तो जो भी पावर होती है उसमें प्लस ऐड करके जो बचेगा वो क्या होता है गामा एन, या एन माइनस वन है इसमें प्लस वन ऐड करेंगे तो कितना बचेगा एन, तो गामा एन हो गया, ये आ गई गामा एन की वैल्यू। द क्वांटिटी एन इज पॉजिटिव बट नॉट नेसेसरली इंटीग्रल, ये हो गया गामा एन। अब ये देखो 0 to infinity एक्स ई माइनस एक्स एक्स रेज टू द पावर 6, हम क्या करेंगे 6 में प्लस 1 ऐड करेंगे और प्लस 1 ऐड करते जो भी आएगा वही क्या बनेगा गामा फंक्शन। ये देखो बीटा फंक्शन को गामा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये क्या दे रखा है बीटा एम एन, इसका क्या फॉर्मूला बना गामा एम गामा एन डिवाइड बाई गामा एम प्लस एन, तो बाय डेफिनेशन गामा एन की वैल्यू क्या होती है 0 to infinity ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स, यही होती है ना, यहाँ पर x की जगह क्या पुट करेंगे टी जेड, तो डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा टी डी जेड। अब लिमिट भी तो चेंज होगी, x की जगह 0 जेड की जगह x टेंड्स टू इन्फिनिटी है यहाँ पर तो z की वैल्यू भी कितनी होगी इन्फिनिटी, तो गामा n ये चेंज हो गया, ये वैल्यू आ गई गामा n की। अब देखो हमें साथ के साथ दूसरा इंटीग्रेशन निकालना है क्योंकि फॉर्मूले में क्या दे रखा है गामा एम इंटू गामा एन, गामा एन तो है ही हमारे पास साथ में मल्टीप्लाई में गामा एम भी लेके आना है ना, इसीलिए गामा एम बनाने के लिए हमने दोनों साइड ई माइनस टी टी माइनस टी रेज टू द पावर एम माइनस वन की मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि ई की पावर जो वेरिएबल होता है उसी वेरिएबल की पावर होती है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर गामा एम में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए हमने इस टर्म की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी, ये अंदर चला गया ये फंक्शन आ गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया 0 to infinity
इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में गामा एन क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये क्या बचेगा, वही गामा एम, और ये क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है एम प्लस एन एम प्लस एन। अब देखो ये e की पावर क्या होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए ना e की पावर, और यहाँ पर क्या आ गया, दो वेरिएबल, इसलिए हम इस कंप्लीट को पुट करके एक एक ही वेरिएबल बना लेंगे। तो t की वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ पर, y अपॉन z प्लस वन, तो dt कितना आएगा, पहले तो t वाले को ही सोल्व करते हैं, dt कितना आएगा, dy वाई बाई जेड प्लस वन, लिमिट रख दी दोनों इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी, जेड एम एन माइनस वन है ही बार, और यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया, और e की पावर क्या हो जाएगा माइनस वाई, और dt की वैल्यू कितनी आई हुई है, ये आई हुई है, तो ये कंप्लीट सोल्व होकर कितना आ गया, ये जेड एन माइनस वन, यहाँ पर जेड क्या है, कॉन्स्टेंट का काम कर रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, तो जेड प्लस वन की पावर एम प्लस एन माइनस वन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा y की पावर और e ऑफ माइनस वाई, और एक z प्लस वन की पावर माइनस वन और प्लस वन ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा सिर्फ z m प्लस n, तो यही बार आएगा, ये आ गया, ये किसका फॉर्मूला बच गया, गामा m प्लस n का, गामा इधर कितना है गामा n, ये किसका है गामा m, गामा n गामा n, और ये मल्टीप्लाई में इसको दूसरी साइड ले जाओ, और ये किसका बचा हुआ है बीटा का फॉर्मूला, ये दूसरी डेफिनेशन है बीटा की, एक डेफिनेशन तो क्या थी एक्स रेज टू द पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स रेज टू द पावर एन माइनस, उसी को कन्वर्ट करके दूसरी डेफिनेशन आती है बीटा एम एन, तो बीटा एम एन का क्या फॉर्मूला आ गया, ये यहाँ से यूज किया हमने, रिजल्ट हम ये भी यूज करते हैं, गामा वन बाई टू की वैल्यू क्या होती है रूट पाई, ये यहीं से आती है बीटा एम एन, ये वाला फॉर्मूला यूज करके क्या निकालना है वन बाई टू, एम एन की वैल्यू वन बाई टू निकाल दो, इसको सोल्व करेंगे तो वही आएगा लास्ट में, गामा वन बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट पाई, ये इसका प्रूफ है। अब देखो हम म्यू वन डैश निकालेंगे, यानी कि आर की जगह हमें क्या पुट करना है वन, यहाँ पर आर की जगह हमें क्या पुट करना है वन, और आर की जगह पुट करोगे तो कितना बनेगा म्यू प्लस वन डिवाइड बाई गामा ऑफ म्यू प्लस न्यू प्लस वन इंटू गामा ऑफ म्यू प्लस न्यू डिवाइड बाई गामा ऑफ म्यू, इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर म्यू प्लस वन है तो क्या लिख सकते हैं गामा एम को, क्या लिख सकते हैं हम गामा एन, ये मान लो गामा एन है तो क्या लिखेंगे एन माइनस वन इंटू गामा एन माइनस वन, तो ये एन माइनस वन करेंगे यानी म्यू प्लस वन का करेंगे तो कितना आ जाएगा म्यू इंटू गामा ऑफ म्यू, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको माइनस वन करके, जो भी क्वांटिटी होती है इसमें माइनस वन किया तो म्यू आ गया, और इसमें फिर से गामा म्यू लिखेंगे इसको, ऐसे ये डिक्रीज होता जाता है, ऐसे ही इसमें इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी एक क्वांटिटी डिक्रीज होकर कितना आ जाएगा म्यू प्लस न्यू इंटू में गामा ऑफ म्यू प्लस न्यू हो जाएगा, ठीक है, ये कितना बच गया गामा ऑफ म्यू प्लस न्यू, और डिवाइड बाई कितना आ गया गामा ऑफ म्यू, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, जो भी बच गया उसको लिख दो, कितना आ गया इसको सिंप्लीफाई करके ये बचेगा हमारे पास, ये आ गया मीन। सिमिलरली हम म्यू टू डैश निकाल लेंगे, म्यू टू डैश में आर की जगह टू पुट करेंगे तो कितना आएगा म्यू प्लस टू गामा ऑफ म्यू प्लस न्यू, और डिवाइड बाई गामा ऑफ म्यू प्लस न्यू प्लस टू इंटू में गामा ऑफ म्यू, ये आएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे म्यू है तो ये दो बार कम होगा ना, म्यू प्लस वन होगा फिर म्यू होगा फिर गामा ऑफ म्यू आएगा, ऐसे डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर भी ये भी कितना हो जाएगा, पहले म्यू प्लस न्यू प्लस वन होगा फिर म्यू प्लस न्यू होगा फिर गामा ऑफ म्यू प्लस न्यू आएगा, यानी कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, गामा एन दे रखा है तो क्या लिख सकते हैं एन माइनस वन इंटू गामा एन माइनस वन, इसको फिर से क्या लिख सकते हैं एन माइनस वन, इसमें फिर से वन घटाओ, वन सब्ट्रैक्ट करते ही गामा एन माइनस टू, एन माइनस वन एन माइनस टू, ये फिर से क्या लिखा जाएगा, इसको फिर से क्या लिख सकते हैं ए वन फिर सब्ट्रैक्ट करो गामा एन माइनस थ्री, ऐसे ही ये चलता जाएगा लास्ट में एन माइनस वन एन माइनस टू ऐसे चलता जाएगा, कितना आएगा वन इंटू गामा ऑफ
वन, गामा ऑफ वन की वैल्यू वन होती है, यानी कि गामा एन किसके इक्वल होता है, एन माइनस वन फैक्टोरियल के इक्वल होता है। ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, म्यू वन प्लस म्यू डिवाइड बाई म्यू प्लस न्यू और म्यू प्लस न्यू प्लस वन, ये आ जाएगा। अब देखो ये म्यू टू डैश की वैल्यू आ गया, म्यू टू, म्यू टू क्या होता है, वेरियंस होता है। वेरियंस को कैसे सोल्व करते हैं, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वेयर, इससे सोल्व करते हैं। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना, ये आ जाएगा म्यू न्यू डिवाइड बाई म्यू प्लस न्यू का स्क्वेयर म्यू प्लस न्यू प्लस वन, ये आ जाएगा म्यू टू। अब देखो हम म्यू थ्री डैश निकालेंगे, म्यू थ्री डैश कैसे निकालेंगे, वही आर की जगह क्या पुट करेंगे, थ्री पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, गामा म्यू प्लस थ्री इंटू में गामा ऑफ म्यू प्लस न्यू डिवाइड बाई गामा ऑफ म्यू प्लस न्यू प्लस थ्री गामा ऑफ म्यू, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर म्यू थ्री की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, म्यू थ्री कितना हो जाएगा, म्यू थ्री डैश बाई कम्बिनेशन क्या फॉर्मूला होता है, म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस टू म्यू वन डैश फोर, ये हो जाएगा हमारे पास। इन सब की वैल्यू है, ये पुट कर देंगे, ये पुट करने के बाद कितना आएगा, टू म्यू न्यू म्यू माइनस और म्यू प्लस न्यू पावर क्यूब हो जाएगी, म्यू प्लस न्यू प्लस वन म्यू प्लस न्यू प्लस टू, ये तो कैलकुलेशन ही है, इसको सोल्व कर लेना। सिमिलरली म्यू फोर की वैल्यू निकाल लेंगे, म्यू फोर किसका कम्बिनेशन होता है, म्यू फोर डैश माइनस फोर म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस सिक्स म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वेयर हो जाएगा माइनस थ्री म्यू वन डैश की पावर फोर आ जाएगी। इसमें पुट कर देंगे सारी वैल्यूज, ये म्यू फोर की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो और कॉन्स्टेंट क्या निकालने हैं, एक बीटा वन निकालना है और एक बीटा टू निकालना है। बीटा वन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू टू म्यू थ्री, ये होती है बीटा, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देना, दोनों वैल्यू हमारे पास, म्यू थ्री ये रहा और म्यू टू भी निकाल रखे हैं, पुट करके वो वैल्यू आ जाएगी। बीटा टू भी कितना होता है, म्यू टू का स्क्वेयर और म्यू फोर, ये दोनों वैल्यू भी हमने निकाल रखी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करते ही बीटा टू की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ बीटा फंक्शन के लिए एक फंक्शन, एक कांस्टेंट और भी होता है, हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक मीन बोलते हैं जिसको हम, हार्मोनिक मीन, ये भी बीटा के कांस्टेंट्स में आता है। हार्मोनिक, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, देखो हार्मोनिक फंक्शन अर्थमेटिक का वो ओपोजिट होता है, इसलिए वन बाई एच लेंगे, वन बाई एच यानी कि जीरो टू वन, वन बाई एच के लिए क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ ऑफ एक्स फंक्शन तो है ये हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा, बीटा फंक्शन कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे म्यू और न्यू, ये कितना हो जाएगा, जीरो टू वन एक्स रेज टू द पावर म्यू माइनस वन पहले से और वन बाई एक्स ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, म्यू माइनस टू बन जाएगा और वन माइनस एक्स की पावर कितनी होगी, म्यू माइनस वन इंटू डी एक्स, ये फंक्शन आ जाएगा। इसको हम सोल्व कर लेंगे, वही एक्स की पावर दे रखी है वन माइनस एक्स, तो ये भी बीटा फंक्शन बन जाएगा, कितना आएगा, वन बाई बीटा म्यू और न्यू और इंटू में कितना आ जाएगा, बीटा म्यू माइनस वन इंटू न्यू। अब हम वही इन दोनों को गामा फंक्शन में चेंज कर लेंगे, तो यानी कि वन बाई बीटा, पहले तो इसी को चेंज कर लेते हैं, इसका गामा फंक्शन कितना आएगा, गामा म्यू माइनस वन इंटू गामा न्यू और डिवाइड बाई दोनों का एडिशन हो जाएगा और इंटू में ये कितना आएगा, गामा म्यू गामा न्यू और गामा ऑफ म्यू प्लस न्यू, दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये सोल्व होकर कितना आएगा, म्यू प्लस न्यू माइनस वन डिवाइड बाई म्यू माइनस वन, ये आ गया वन बाई एच, तो यहाँ से एच कितना हो जाएगा, म्यू माइनस वन डिवाइड बाई म्यू प्लस न्यू माइनस वन, ये आ जाएगा। ये थे कॉन्स्टेंट ऑफ बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, मोमेंट्स निकालने, स्क्यू
स्क्यूनेस निकालना, कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस बीटा वन एंड बीटा टू, और हार्मोनिक मीन निकालना। ये सारे कॉन्स्टेंट्स ऑफ बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड थे। अब देखो बीटा फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड क्या दे रखा है। वही एक रेंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज सेड टू बी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड का होगा, पैरामीटर्स क्या लेंगे, वही ले लेते हैं पैरामीटर म्यू एंड न्यू, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या बनेगा, इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन 1/ बीटा म्यू एंड न्यू, और इंटू में कितना हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर म्यू माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर म्यू प्लस न्यू, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन। ये है सेकंड डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शंस की, जो सेकंड डेफिनेशन होती है ना उसके सिमिलर है ये। फिर देखो इस यहाँ पर इस कैपिटल एक्स को क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा बीटा वेरिएट ऑफ सेकंड काइंड, सेकंड काइंड का बीटा वेरिएट हो जाएगा। यहाँ पर पैरामीटर क्या दे रखे हैं, म्यू एंड न्यू, तो इसलिए इसको क्या कैसे डिनोट करेंगे, बीटा टू म्यू एंड न्यू, ऐसे डिनोट करेंगे। देखो जो ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड काइंड का है, इसको हम फर्स्ट काइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट काइंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो ये 1 प्लस एक्स है ना, यहाँ पर 1 प्लस एक्स को हम 1/y मान लेंगे, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/1 प्लस एक्स हो जाएगी। इस प्रकार से हम इस बीटा जो ये सेकंड काइंड का, इसको फर्स्ट काइंड में, देखो फर्स्ट काइंड में 0 to 1 लिमिट थी, सेकंड काइंड में 0 to infinity, ऐसे यहाँ से ये लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 to infinity से 0 to 1 में चेंज हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर बीटा फंक्शन का फर्स्ट काइंड दे रखा है, फर्स्ट काइंड को सेकंड काइंड में कन्वर्ट कर रखा है। सिमिलरली इसका अपोजिट सेकंड काइंड से हम फर्स्ट काइंड में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखो बीटा फंक्शन का फर्स्ट काइंड है 0 to 1 है, और इसको हमें किस में चेंज करना है, सेकंड काइंड में। तो 0 to 1 को 0 to infinity बनाना है ना, इन्फिनिटी बनाने के लिए इसका डिनोमिनेटर में भी तो कुछ वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए, तभी तो जीरो किस में जाएगा, इन्फिनिटी में चेंज होगा। ये देखो यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या पुट कर ली, t/1+t, इसी फॉर्मेट में तो लेके आना है x/1+x, इसीलिए हमने t/1+t पुट की, ताकि इस सिंपल फंक्शन को हम इस फंक्शन में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पर dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब लिमिट निकालो यहाँ से, x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1 होगी, t की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यानी कि ये 0 to 1 किस में चेंज हो गया, अब 0 to infinity में x की जगह क्या पुट करेंगे, जो वेरिएबल लिया वो पुट करेंगे, 1 - x, तो 1 - x की वैल्यू रख ली, dx की वैल्यू हमने निकाल दी, ये पुट कर दी। समझ में आ गया ना, 0 to 1 अब किस में चेंज हो गया, 0 to infinity में। ये सब्सटीट्यूशन क्योंकि यहाँ पर x की जगह हमें क्या लेकर आना है, x/1+x, इसलिए हमने t/1+t पुट किया। अब देखो ये लिमिट है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, t को इकट्ठा कर लो, 1+t को इकट्ठा कर लो, ये आ गया फंक्शन 0 to infinity। ये तो देखो 0 to infinity x की पावर m - 1 है, और 1+x सिमिलरली चाहे m - 1 लिख दो और चाहे n - 1, बताया था ना बीटा m n किसके इक्वल होता है, n m के इक्वल, या m है तो m - 1, n है तो n - 1 भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ऐसे ही इसका ये प्रूफ आ जाएगा। सिर्फ एक ये सब्स्टिट्यूशन से सारा चेंज हो जाता है, ये फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड में चेंज हो जाता है। ऐसे ये सेकंड काइंड किस में चेंज कर सकते हैं, हम इसको फर्स्ट काइंड में चेंज कर सकते हैं। देखो हमें बीटा फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड के कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं, वही कॉन्स्टेंट μr′ मोमेंट अबाउट ओरिजिन कितना हो जाएगा, इब की बार 0 to infinity लिमिट है, एक्स रेज टू द पावर इनटू एफ ऑफ एक्स, तो वही बीटा म्यू और न्यू कांस्टेंट है, इसलिए कॉमन आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, एक्स की पावर r और एफ ऑफ एक्स क्या है, ये फंक्शन है, ये आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर दोनों ऐड हो जाएंगे ना, म्यू प्लस आर माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 1 प्लस एक्स की पावर आ जाएगी म्यू प्लस न्यू इंटू डी ऑफ एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, वापस बीटा फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे,
कितना हो जाएगा, वन बाई बीटा म्यू एंड न्यू इंटू में जीरो टू इन्फिनिटी, वही इसमें से माइनस वन सब्ट्रैक्ट होना चाहिए ना, तो क्या लिखे, म्यू प्लस आर माइनस वन, यही तो है। तो डिवाइड बाई में कितना होना चाहिए, वन प्लस एक्स, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो ये म्यू प्लस आर है तो यहाँ पर भी तो म्यू प्लस आर होना चाहिए, उसके लिए क्या करें, प्लस आर कर देते हैं माइनस आर कर देते हैं, प्लस आर माइनस आर, तो यानी कि म्यू प्लस आर और माइनस आर किसके साथ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बाहर माइनस आर इंटू डी एक्स। अब ये देखो ये बीटा फंक्शन बन गया, कितना बन गया, बीटा म्यू प्लस आर और कितना है दूसरा, न्यू प्लस आर, यही तो था। तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई बीटा म्यू और न्यू तो है ही, और ये किस में चेंज हो गया, बीटा म्यू प्लस आर, और म्यू प्लस आर के साथ दूसरा कितना है, म्यू माइनस आर, ये इसमें चेंज हो गया। अब इसको वही गामा में कन्वर्ट कर लो, गामा में कन्वर्ट करके लास्ट में क्या बचेगा, गामा म्यू प्लस आर, आफ्टर सिंप्लीफाइंग टू कन्वर्ट गामा फंक्शन, सोल्व कर लेना इसको, गामा ऑफ म्यू इंटू गामा ऑफ न्यू, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो ये म्यू आर डैश आ गया, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, म्यू वन डैश निकालेंगे, तो म्यू वन डैश कितना आएगा, वही यहाँ पर आर की जगह वन पुट कर दो, गामा ऑफ म्यू प्लस वन इंटू गामा ऑफ न्यू माइनस वन डिवाइड बाई गामा ऑफ म्यू इंटू गामा ऑफ न्यू, इसको यहाँ पर कितना हो जाएगा, म्यू इंटू गामा ऑफ म्यू, तो ये हो जाएगा, और इसको भी चेंज कर सकते हैं न्यू इंटू गामा ऑफ न्यू, ये कितना बचेगा, म्यू अपॉन न्यू माइनस वन, ये आ गया इसका मीन। सिमिलरली हम म्यू टू डैश निकाल लेंगे, म्यू टू डैश कितना आएगा, म्यू म्यू प्लस वन और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, न्यू माइनस वन और न्यू माइनस टू, सिंप्लीफाई कर लेना इसको, सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम वेरियंस निकाल लेंगे, वेरियंस कितना होगा, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वेयर, म्यू टू डैश हमने निकाल रखा है, म्यू वन डैश का स्क्वेयर कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो म्यू टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू इंटू म्यू प्लस न्यू माइनस वन और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, न्यू माइनस वन का स्क्वेयर इंटू न्यू माइनस टू, ये आ जाएगा, ये हो गए इसके। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, म्यू थ्री डैश निकाल लेंगे, फिर म्यू फोर डैश निकाल लेंगे, इनकी वैल्यू निकालने के बाद हम बीटा वन और बीटा टू कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल लेंगे, इन चारों की वैल्यू यूज करके। अब देखो हम निकालेंगे हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक फंक्शन या हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन निकालने के लिए वही वन बाई एच, वन बाई एच कितना हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी वन बाई एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो, तो कितना हो जाएगा, वन बाई बीटा म्यू और न्यू हो जाएगा इंटू में एक्स की पावर म्यू माइनस टू डिवाइड बाई वन प्लस एक्स की पावर म्यू प्लस न्यू इंटू डी एक्स, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, कॉन्स्टेंट है वन बाई बीटा म्यू और न्यू बाहर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी, एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, म्यू माइनस टू है ना, तो इसलिए हम इसको माइनस वन लिख सकते हैं माइनस टू को, और डिवाइड बाई में एक्स कितना हो जाएगा, ये एक्स, ये वन बाई एक्स था, ये एक्स की पावर म्यू माइनस माइनस टू, ये एक्स ऊपर जाके ही हुआ है म्यू माइनस टू, तो देखो वन प्लस एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए, कितना दे रखा है, म्यू प्लस न्यू दे रखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन और प्लस वन, ऊपर माइनस वन है तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, म्यू के साथ माइनस वन रखेंगे, तो दूसरा वन किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ, क्योंकि म्यू प्लस वन है तो यहाँ पर प्लस वन और माइनस वन ऐड होगा, म्यू माइनस वन है इसलिए माइनस वन इसके साथ रखेंगे, तो ऑटोमेटिक दूसरा इसके साथ आ जाएगा, तो ये किस में चेंज हो गया, बीटा फंक्शन में, कितना है म्यू माइनस वन और दूसरा कितना बच गया, न्यू प्लस वन और डिवाइड बाई कितना है, बीटा म्यू और न्यू, इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, न्यू और म्यू माइनस वन, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका अपोजिट हो जाएगा म्यू माइनस वन इंटू न्यू, ये आ गया हार्मोनिक मीन, ये हो गई कॉन्स्टेंट्स ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, या मोमेंट्स निकाल लिया, स्क्यूनेस निकाल लिया और हार्मोनिक फंक्शन निकाल लिया। थैंक यू।